हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदर नगर के एक छोटे से विलेज में, शेलन विलेज से। और अभी ना हमने खाना खुना खा के अभी बैठे थे अभी अपनी बेटी के साथ, नन्हे के साथ, क्यों है ना। तो दोस्तों आजकल ना बरसात में हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फट रहे हैं, तो बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल हिमाचल प्रदेश में, है ना नन्या। तो यहाँ हमारे जोगिंदर नगर में भी सिवरी में लासा गिर चुका है और थर्ड खोड साइड बादल फटा है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार। और सुनीता तो कॉलेज के लिए रेडी हो रही है अभी भाई, क्यों। तो अभी बस आने वाली है तो टाइम से जाना पड़ेगा, क्यों। तो ऊपर ना मौसम की बात करें तो मौसम हर दिन की तरह बादल छाए हुए हैं ऊपर, और ऊपर ऊपर अभी पहाड़ों में बादल। नहीं मैं नहीं जाऊंगा आज, छुट्टी पर हूँ मैं घर में रहूँगा। तो ठीक है, तो अनन्या को देखते हैं आज। ओके जी, ओके, अनन्या को ही देखेंगे आज, को ही देखेंगे आज भी सारा दिन, क्यों। अनन्या को ही देखेंगे सारा दिन, खिलाते रहेंगे इसको, खिलाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे खिलाते भी रहेंगे और रोटी भी खिलाते रहेंगे। दोस्तों पिछले कल जो है ना भारी बारिश हो रही थी सुबह, तो सुबह कॉलेज जा रही थी सुनीता, तो बाल बाल बच गई। हमारी छोटी छोटी नालियाँ हैं, लेकिन वो भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नाले बन गए थे। और भाई अपनी हिस्ट्री कल की। तो दोस्तों मैं कल ना जा रही थी सुबह, यहाँ से थोड़ी धीमी धीमी बारिश लगी थी, तो मैं आधे रास्ते में पहुँची तो बहुत ज़ोर की बारिश लगी, और जो नाले हैं ना हमारे वो इतने ज़्यादा हो गए जैसे नदी आ गई, नदी बन गई उनकी एकदम से, और मैं बीच रास्ते में फंस गई, ना आगे जाने को ना पीछे जाने को। बस मुझे तो डर लग रहा था कि मैं यहाँ पानी में बह ना जाऊँ, जैसे कैसे करके फिर मैं घर वापस आ गई। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मैं आज मर जाऊँ पर फिर बच के निकल गई, पहुँच गई फिर बाद में एंड में घर में। बाल बाल बच गई, भारी बारिश में बाहर मत जाया करो ज्यादा। भारी बारिश थोड़ी थी उस टाइम, धीमी धीमी बारिश थी, घर से निकली तो फिर बाद में आधे रास्ते में पहुंची तो बहुत जोर की बारिश आई, इतनी जोर की बारिश थी मतलब पूरा छाता भीग गया था, मैं सर से पांव तक भीग गई थी पूरी। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं गाय को जंगल में छोड़ने के लिए, जंगल में चराने के लिए। तो आज का मौसम की बात करें ना, तो मौसम जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है, बादल तो छाए हुए हैं आसमान में और उमस सी हो रखी है, उबाल सा आ रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। पीछे जो है ना सारा हरा भरा व्यू आ रहा है सारा, तो आजकल बरसात के मौसम में हरियाली सी छाई रहती है चारों तरफ। तो चलिए जी अभी पहुंच चुके हैं गौशाला में, तो अभी गाय को छोड़ते हैं और जंगल को चराने के लिए ले जाते हैं अभी। हाँ चलो भाई चलो, छोड़ते हैं आपको जंगल में। अरे एक गाय तो खड़ी रहे, एक गाय आराम से बैठी हुई है भाई। और यहाँ ना हमारी नाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, जल स्तर इसका ठीक ठाक बढ़ चुका है, और यहाँ पर मगरू लगाया हुआ है पानी पीने के लिए नेचुरल। तो चलो अभी पानी पी लेते हैं। तो हमारे ना यहाँ पर गांव के सामने ही, तो यहाँ पर ऊपर से मलबा आ चुका है, बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं सड़क में, तो सड़क आजकल बंद पड़ी हुई है। और सामने का दिखाते हैं हम आपको अपना विलेज। चलो रे चलो चलो अब जंगलों में। और सामने नीचे रही हमारी लूणी खड, तो यहाँ पर जो है नमक की खान है ऊपर, तो इसका नाम टिक गया फिर लूणी खड, क्योंकि यहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो गुमा से ठीक नीचे लूणी खड है, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा
आई हुई है, और साथ में लाए हैं हमारे ग्रीश दा, लाए हैं अपने गाय को, और ये भी जंगल में अपनी गाय को चराने के लिए ले जा रहे हैं। और ग्रीश दा कैसे हो? बहुत बड़े भाई, बहुत अच्छा। अच्छे हो? बारिश क्या बोलती है फिर? बारिश तो बरसात का महीना तो लगने का है। काफी बरसात हो रही है, क्यों तबाही भी काफी हो रही है? कुछ नहीं हो रही है यार, बरसात 20 दिन पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। नहीं, हमारे यहाँ इतनी तबाही नहीं होती थी, तो इस बार ज्यादा तबाही हुई। कुछ कलयुग का प्रभाव हो गया ज्यादा, अब कुछ झूठ फिर ज्यादा हो गई और सत्य धर्म ज्यादा हो गया, पाप ज्यादा हो गया। अच्छा, 100 में से धर्म रहेगा 40% रह गया और 60% के आसपास पाप ज्यादा फैल गया। पाप ज्यादा हो गया हाँ, इसी कारण। और अच्छा, आपका मानना ऐसा है? ऐसा लग रहा है मेरे को ना, और कुछ जैसा रोड की वजह से हो रहा है कुछ। हाँ, आजकल खनन ज्यादा हो रहा है विकास के नाम पर, तो कहीं ना कहीं इसी कारण एक सुख मिलेगा तो एक सुख होगा एक दुख होगा, एक सुख होगा एक दुख होगा, ये सही बात है। कैसी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो चलिए जी, अब चलते हैं, ले जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए जंगलों में, ऊपर ले जाते हैं। ये हमारा जो है ना शिलन रोड है कच्चा, तो उसमें सोलिंग हो गई है, तो उसमें ना मिट्टी थी, तो पूरा पानी आया है बरसात का और पूरा मिट्टी धो के ले गया है सारा पानी। तो अभी ना हम ऊपर ग्रोन वाले रोड में आ चुके हैं, और आज काफ़ी दूर ले जा रहे हैं गाय को चराने के लिए। हम ना बचपन में आया करते थे, ग्वाले बनते थे, पूरा दिन भर गाय बल्द को चराते रहना बछड़े को, और शाम को घर आते थे और पूरा दिन खेलते भी रहते थे जंगलों में ही। तो वही टाइम याद आ रहा है इस वक्त, तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर निकाले हुए हैं पोल निकाले हुए हैं जंगल में, और यहाँ पर जो ना बूटे लग रहे हैं अब फलदार पौधे, तो उसके लिए पोल निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर काम लगा हुआ है आजकल जोर शोर पर। तो यहाँ पर है हमारे मशान बाबा, मशान देवता, जय हो मशान देवता की, तुम्हारे पूज्य देवता है यहाँ पर मशान देवता की, जय हो। तो हमारे ताऊ जी आ गए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो हम बैठे हैं मशान देवता के स्थान पर, और ताऊ जी भी यहाँ पर काम करने आए हैं, क्यों? अब रेस्ट करने, और अभी रेस्ट की थी, अभी हाफ टाइम किया था। और किस टोपी डालते हैं ताऊ? नेहरू टोपी। तो काफी कम लोग डालते हैं नेहरू टोपी, ये बहुत पुरानी है, नेहरू जी डालते थे हमारे ऐसी टोपी, तो हाँ बहुत पुरानी है। और काम करने के लिए आए हैं, क्यों ताऊ? काम है हमारा, काम लगाओ फर्स्ट। कितना काम कर लिया? पोल डोलिए, पोल निकले त्राई या चार त्राई के सागर, ये दो चौकू है ना, दो तो बढ़िया होने रहा ये सर, खरीदनी दो चार बेड़ा हो रहा मैं, हाँ खरीदनी में दो बेड़ा हो रहा, दो बकरी। कितने साल होगी ताऊ? उम्र तेतर साल तेतर साल में भी वही काम करते हैं ताऊ जी, देखो बहुत मेहनती है हमारे ताऊ। उम्र कम दस जरा एक फर्स्ट है। कितनी उम्र है ये? यार 55 साल का होगी यार। कहाँ होगी 55 है यार, कम दस कहीं होता है मेरा कहीं जान दिया भाई उड़ से हैं। किसने दाढ़ी लाड़ी? अक्षु लाड़ी लाड़ी बताओ, लाड़ी ले आओ रहा मेरे भाई, मर रहा बंद हो रहा ठीक है ना, मर रहा काम ना, सही बात है कह रहा, ये समझ आएगा सही बात है, जन्म तो है जन्म ना, सही है ठीक है ना। पुराने से पुराने खिलाड़ी है, आज के दिन का ही, आज ही 8 तारीख है, 8 और 5 दिन है, गए 5 दिन 8 दिन से बोला, अब बबल लग रहा, बबल लग रहा ऐसे मुंह वाले लाइट क्या मुंह वाले मुंह वाले ये नहीं मुंह वाले कान कान में नहीं, कान में नहीं, मुंह के वास्ते मुंह वाले ताऊ मुंह में ऐसे कान में मत डालो, मुंह वाले बोलो ही हां, ऐसे ऐसे बोलो हां। कितने दिन हो काम? क्या बोला
काम को कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए काम में लग रहे? आठ दिन अच्छा, ताऊ को पता नहीं है ना कान में लगाते हैं ऐसे। ताऊ ने सोचा कि कान में सुनने वाला है, दरअसलिए तो माइक है मुंह से, जैसे ना आवाज के लिए, स्पष्ट आवाज के लिए माइक है। माइक ताऊ माइक कान में मत लगा। नहीं नहीं कान में लगाते ऐसे। ताऊ जी हमारे पुराने बुजुर्ग है ना भाई जी छोटे। अच्छा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो कैमरे के आगे नर्वस हो गया। अच्छा, इसी कारण दिहाड़ी का काम कर रहे हैं। अभी उम्र इसकी है जी अभी 55 साल है। अच्छा, हाँ जी, जब 60 से ऊपर हो तब तो काम पर कहाँ लगेगा ना। 55 का यार 73 हो गए। नहीं नहीं 55 का साल का भी यार, जब 65 का कदार होगा तो काम करने का लाभ नहीं है। ये जैसे फर्स्ट का काम है हमारा। अच्छा, और प्लांटेशन लगा रहे हैं हम गाँव वाले मिलजुल के, और जैसे गाँव वाले का फायदा भी है। कुछ फल फूट लगा, कुछ हो गए फल फूट वाले पौधे। अच्छा, कुछ हो गए घास वाले हो गया, इसी का नाम आज गाँव वाले का बेनिफिट है। और कुछ गाँव वाले घास ले जाने के लिए पड़ी रहेगा। हाँ चलो, परिवहन के लिए भी अच्छा है, गांव के लिए भी फायदा है। जैसे हमारे वैसे हो गया, जैसे बंदर के लिए हो गया, जैसे पक्षी पक्षी के लिए फलदार पौधे बहुत अच्छे हो गए ऐसा कुछ नहीं। और गाँव वाले के लिए बढ़ रहेगा। और जैसे ये पेड़ लगाएंगे तो और वातावरण ऑक्सीजन मिलेगी बढ़िया। जैसे एक पेड़ काटेंगे तो हम 10 पेड़ लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात है। बताओ जी, बहुत अभी संघर्ष, इस उम्र में संघर्ष बहुत कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत कारोबार ठीक है चलाओ इसका, और अभी भी इस उम्र में भागा दौड़ कर रहे हैं। जब इस उम्र में हम हो जाएंगे तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। ये क्यों, पुराने आदमी जैसे यार ऐसे घी दही घी दूध और बढ़िया। आजकल ऐसा यार टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, और बच्चे भी इस टेक्नोलॉजी के कारण बंदे बच्चे भी थोड़े ये हो नर्वस हो रहे हैं इसी कारण। हम पर हम ना बचपन में आया करते थे, क्यों काफ़ी दिनों के बाद आए हैं अब, मतलब बड़े होकर, मतलब ऐसे टाइम में तो हम पूरा दिन यहाँ पर जंगलों में खेला करते थे और छाए में बैठे हैं आज मस्त तरीके से। नहीं कैसा लग रहा है फिर आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत दिन के बाद है, पहले तो हम बहुत आते थे यहाँ पर, बहुत डंगर के साथ, गाय होगी भैंस होगी बकरी होगी, तो आजकल के बच्चे नहीं आते हैं बहुत। पहले जैसा अब ऐसा है, अब डंगरे भी नहीं रहे, अब इतने थोड़े कम हो गए, जैसे कम कर दिया ना अब। बहुत कम घास तो है ऐसा कि नहीं। अब आजकल के आदमी काम करना चाहते हैं, ये तो पुराने बुजुर्ग कर रहे बेचारे, कितना काम आने वाली जनरेशन नहीं करेगी। आजकल की बहू भाभी तो वैसे बस कुर्सी में बैठ रही है और पार लगा रही है, एलईडी लगा रही है, बस मारो खाना मुँह आगे देखो सब कुछ ये करो। गाय नहीं बोलते, गाय तो पानी नहीं बोलते। अरे गाय तो सबसे बढ़िया है। गाय का दूसरा एक पहले एक अपनी माँ होती, दूसरा दर्जा गाय हमारी गौ माता दूसरी है। ये हिंदू धर्म है ना, गौ माता यार, उसके सुबह उठ के पैर छूंगो और रोटी खिलाओ, बच्चों के लिए दूध हो जाता है, बूढ़ों के लिए दूध हो जाता है। अच्छा, जैसे गाय तो हमारी जैसे हमारी जर्सी चली है ना, जर्सी जर्सी नस्ल की, ये गाय इसका प्रोटीन इतना नहीं होता, इसका देसी गाय, जो देसी गाय होती है ना इसका दूध बहुत प्रोटीन होता है और पवित्र भी माना गया है। इसका गोमूत्र भी काम आता है, पवित्र है, बहुत पवित्र है यार। जैसे जर्सी है तो इनका जैसे गोमूत्र हो गया माल हो, जैसे इतना पवित्र नहीं बता रहे इसको। ये तो इसका ऐसे जैसे अपना पेट भर दूध पियो ही है, ये कह रहा है। जैसे भैंस तो होती, भैंस भी होती, पर इसका दूध भी बहुत होता है। पर भैंस आजकल खत्म हो गई है ना, रखेंगे हमने, पहले तो हमारी बहुत होती थी। क्यों, देसी गाय अगर आने वाले समय में देसी गाय खत्म होगी, उस दिन दुनिया उल्ट पुलट हो जाएगी। जब तक देसी गाय तब तक हमारी दुनिया खड़ी हुई है यहाँ पर। देसी गाय सर बाबा से फेंक रहे, कभी गाड़ी में फेंक रहे, कभी कहाँ फेंक रहे, कोई वैल्यू खत्म हो गया ना सर। इसकी इनकी वैल्यू रखो यार, क्यों ये तो बेजवान है, बेजवान को मार रहे, कई बैल वैसे फेंक रहे जवान से, अगर कुछ समय के बाद और बैल की कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आगे थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी ना ऊपर से पानी का छाला आ रहा है जोर से, बहुत जोर की बारिश आ रही है ऊपर से और सामने से आ रही है, तो बरसात का मौसम है, कोई पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए। तो अभी ना जंगल से वापस आ गए हैं अब घर के लिए, तो गाय को छोड़ दिया है जंगल में चराने के लिए, और यहाँ पर सुनीता भी आ गई है भाई कॉलेज से। कितने बजे पहुंची? मैं पहुंच गई जल्दी, 3:30 बजे। और बेबी सोई है? नहीं, बेबी सो गई, बारिश आ गई ऊपर से, बहुत जोर की बारिश आ गई। अब मैं भी खाना खाता हूँ, खा लो तू।
फिर कैसा रहा? अच्छा ही रहा। तो अभी ना यहाँ पर पहुंच चुकी है बारिश, जोर का छाला रहा है हवा के साथ। दोस्तों अभी जो ना बारिश रुक गई है और अभी जा रहा हूँ मैं हेठले घर को, और साथ में है स्मिता और अनन्या। तो चलते हैं फिर, क्यों चलते हैं? और कार तो शाम को खाते हैं। और रास्ते पर है यहाँ पर हल्दी का खेत, तो यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं हल्दी के, तो खूब सारी हल्दी है इस खेत में। तो आ जाएगी गाय भी, और स्मिता ने लिया है साथ में डोलू बाल्टू गाय ढूंढने के लिए, गाय से दूध निकालने के लिए। तो तो अभी गाय तो अभी आई नहीं है, जंगल को चरने गई है अभी, तो आज बहुत टाइम लगा दिया गाय ने भी। और अनन्या भी बहुत खुश हो रही है घूमने के लिए, क्योंकि इसको घुमाते नहीं है ना दिन में, बोर हो जाती है अंदर अंदर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, तो आप लोग ये नीचे कहाँ घास को जाना? जाओ तो घास को मेरे पास अनन्या को दे दो फिर। और साक्षी भी आ गई भाई स्कूल से, और आयुष पीछे। आयुष कहाँ भाग रहा है? रुक जा पट्टा बजाने लगा कहाँ हाँ इधर आ जा तो। अशूर बिल के पास चला है भाई। अरे क्यों मारी है हमारी बेटी को भाई, क्यों मारी? अभी ना हम अनन्य के साथ बैठे हैं यहाँ पर, और अब गाय का इंतजार करते हैं। क्यों अनन्य? अरे अनन्य तो खुश हो गई बाहर घूमने के लिए। और पीछे ना हमारी खड्ड है लूणी खड, तो गुम्बा से नीचे होकर आती है ये, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है आजकल, तो इसको आर पार करना आजकल मुश्किल होता है। तो आजकल जो है पुल पड़ चुके हैं, तो पुल से ऊपर होकर आते हैं आजकल। जंगल से ना अभी गाय आएगी, तो यहाँ से हम देखते रहेंगे गाय कब जैसे आएगी, तो इंतज़ार करते हैं अब। अरे लक्की को क्या दिख गया भाई? हैं लक्की क्या दिख गया? लक्की भाई घूर घूर के देख रहा है, कुछ दिख गया है इसको, बन क्या दिख गया है जंगल साइड। नन्नू को ना आज भाई क्या काम पड़ा है, तो ये बिनने की एक एक पत्ते निकाल रही है इसके प्लास्टिक, तो इसमें प्लास्टिक लपेटा हुआ था बाहर से, तो इसने तो आज सारा प्लास्टिक निकाल देना है बिनने का। है नन्या है ना, है ना? ए हेलो